दिख रहा है कि ये बुलबुला है, उसका नाम भी अलग है, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो बुलबुला पानी में तैर रहा है, वो बुलबुला। मराठी में ले बुड़बुड़ा मानता है, काय मानता बुड़बुड़ा, बुलबुला समझ रहे हो हिंदी में, बुड़बुड़ा पानी में बुलबुला उठा। ऐसे ही कहां से उठा, पानी से, और किस पर तैर रहा है, पानी पर, और अब फूट गया, कहां गया, पानी में। आया बबूला प्रेम का, अब दूसरी भाषा, तिनका, तिनका एक कचरा, छोटा सा कण कचरे का उड़ा। आया बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, उड़ गया, तिनका तिनके से टूटा, उड़ा। तिनका तिनके में मिला, अब तिनका उड़ा और आकाश में घूम के नीचे गिरा, तो नीचे क्या है, तिनका है, कचरा नीचे है, कचरे से उड़ा, तूफान आया, कचरा उड़ा, कचरा ऊपर गया और कचरा नीचे गिरा, कहाँ गिरा, कचरे में, कहाँ गिरा, तिनका तिनके में मिला, तिनका तिनके पास, क्या मरेगा और क्या पैदा होगा, पूछा जाए भगवान को भी ऐसा क्यों किया, तो बोले खेल रहा हूं, क्या बात कर रहे थे, चिदानंद रूपम सियो हम, सियो हम चिदानंद, जिसको जीवन भर लड़के नहीं होते तो उसको पूछो, तो बोले भगवान दिया ही नहीं, भगवान देता ही, अरे भाई ये सामने वाला बोल रहा है मैंने पैदा किया, तो तू भी पैदा कर ले, ये तो बोल दे, वो क्या पैदा करेगा, देने वाले कुछ नहीं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, आन लाभ जीवन मरण जस अपजस मिलिया, चिदानंद रूपम कि मैं निर्विकल्प
है, जो है उसकी बात कर रहे। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान उसकी बात कर रहे कि मुझ में कोई भी विकल्प नहीं, मैं तो शांत सरोवर हूं, मुझ में लहरें नहीं उठती, मुझ में तरंगे नहीं उठती, वो आयु ही नहीं है। जो है वह बात कही आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने। स्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हो गया एक विभाग। ईश्वर अंश होने के कारण जैसा ईश्वर है वैसा का वैसा ही है अंश, और कहीं द्वैत और अद्वैत की चर्चा हमारे महापुरुष करते हैं वेदांत के आधार पर, तो उसमें अंश ही नहीं ईश्वर ही कहते, अंश नहीं वो कहते ईश्वर ही है, ईश्वर अंश का पूरा ईश्वर। लेकिन हम भक्ति मार्ग को मानने वाले लोग अंश को भी स्वीकार, बिखर गया है वह। और भगवान ने श्री गीता जी ने कहा है कि मेरे एक अंश से समूचा ब्रह्मांड निर्माण हो जाए, संकल्प मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। संकल्प मात्र, ईंट चुना लाकर कहीं बांध काम नहीं करना पड़ता है परमात्मा को, इच्छा मात्र। मराठी में कहा मैं भ्रुकुटी करी नवाकुड़ी पाड़ीन ब्रह्मांडन क्या उतरने, मैं अगर आंख तेरी कर दूं सारे ब्रह्मांड को बिछा दूं कोई अचंभा नहीं। क्या अब स्वर्ण के एक किलो भर स्वर्ण के गोले से एक तोला भर स्वर्ण निकाला गया तो उसको सोने का टुकड़ा है सोने का टुकड़ा है यूं नहीं कहा जाएगा। स्वर्ण है, स्वर्ण का टुकड़ा है, स्वर्ण का यूं नहीं कहा जाएगा, स्वर्ण है डायरेक्ट कहा जाएगा स्वर्ण है। फिर बाद में कोई पूछे तो कहेंगे कि हाँ एक तोला भर है स्वर्ण है, ये दागीना ये गहना स्वर्ण का है सोने का है। इसलिए दोनों बातें वहां फिट होती है कि ईश्वर का अंश हूं ईश्वर का अंश हूं, सोने का टुकड़ा हूं सोने का टुकड़ा हूं यूं भी। और हमारे महापुरुष डायरेक्ट कहते कि टुकड़ा उकड़ा बीच में क्यों डालते हो, सोना हूं मैं, दूसरी बात नहीं, क्या हूं स्वर्ण हूं मैं, टुकड़ा हूं ये हूं होगा जो होगा मैं स्वर्ण। और भक्ति जगत से कि नहीं स्वर्ण डायरेक्ट कहना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कहीं कच्चा मैं न जागृत हो जाए और अहम न बीच में घुस जावे, इसलिए मैं अंश हूं, मैं भक्त हूं, मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, यूं कहा जाता है। बहुत सुंदर बात कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर चक्कर क्या हुआ, चक्कर ये हुआ
सो माया बस भय उसाई, सो माया बस भय उसाई, भजो की विनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। हर बात में बहुत सुंदर उदाहरण दिया, सो माया बस भय उसाई, क्योंकि आप कोर्ट में दावा लगा सकते हो हमारे खिलाफ कि आप कह रहे हो चेतन अमल सहज सुखरासी, हम चैतन्य है सहज सुख की राशि है, फिर ये सब कहां है, मैं तो रो रहा हूं सर पटक पटक के। इसलिए रो रहा है कि सो माया बस भय उसाई, बंधो कीट मरकट के नाई, कीट पतंग मरकट बंदर की तरह बंधा है और बाजीगर जैसा बंदर को नचाता है, तो तू नचा है। किससे बंधन हो गया है तुझे, माया को। तो माया कोई चीज है क्या, बोले नहीं। तो क्या है माया, ब्रह्म। माया क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्मीभूत हो गए। और इतना ठोस भ्रम हो गया है, क्यों ठोस भ्रम हो गया है, जब से जीव विराट तत्व से विभाजित हुआ, यूं समझो तब से वापस मिला ही नहीं, तो दिन से दिन भूल पड़ती है। जो आज अपन एक अपना मित्र है, और मित्र अगर नजदीक रहता है तो दिनों दिन स्नेह और प्रेम बढ़ता है। मित्र अगर भोपाल चला गया 10 साल से नहीं मिला तो कम हो जाएगा प्रेम, लेटर चिट्ठी कभी कभार आएगी जाएगी। और मित्र विदेश चला गया और 20-25 साल में एक चिट्ठी आई तो हाँ बरोबर है बरोबर है, वो था अरे बड़ा अच्छा आदमी था, आया 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 ध्यान में आया। और मित्र अगर 50 साल तक मिला ही नहीं और फिर बुड्ढा खोखला होके सामने आया, पहचान है पहचानते मेरे, ये नीचे तुम कौन 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 है, भूल गए। ध्यान में नहीं आ रहा है, अरे मैं वो हूं ना आपके पास जो रहता था, नाम बताएगा पता बताएगा, फिर अरे 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 गोड वो हाथ में हाथ लेना क्या, अरे यार तू तो भड़का हुआ है। मैं यूं कहने जा रहा हूं कि जितनी दूरी उतना विसर पड़ता है, जितनी दूरी उतनी भूल पड़ेगी। तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, हम में ही परमात्मा है, हम याद ही नहीं करते हैं, युगों युगों से याद नहीं करते, जन्म जन्म से याद नहीं करते, इसलिए बहुत दूरी हो गई है नजदीक लेकिन आपके ही कोठार में वस्तु रखी है, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं करते, उसको काम में ही नहीं लेते, तो आपके ही गोडाउन में रखने के बावजूद भी आप भूल गए। वस्तु अगर आपको कहेगी क्या मैं तो आपके ही गोडाउन में थी, आपने मुझसे काम ही नहीं लिया, बोल गए काम नहीं लिया है। इसी तरह हम भी अपने प्यारे परमात्मा को भूलते 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 जन्म जन्म बीत गए। अब मानव जन्म मिला, कोई सुकृत जागे, कोई पुण्य जागे, जाने अनजाने में कोई अच्छे कर्म हो गए होंगे हमसे, इसलिए रिटर्न थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। क्या मैं अकेला नहीं हूं, मैं निर्बल नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा कोई नाथ है, मेरा कोई स्वामी है, तरफ जाने लगता कोई बताओ कोई बताओ। माया बस भय उगुसाई,
अच्छा आप ऐसा भी आरोप ले सकते हो कि फिर वो ईश्वर ने माया निर्माण क्यों की? तो माया की इसलिए तो जगत है, माया नहीं है तो जगत नहीं, सवाल ही फिर ये साकार जो है माया ना हो तो कुछ नहीं है। माया का खेल क्यों कहता है? तो इसे तेरा खेल कह ले। गलती वहां हो रही, बोले उसका खेल है, उसका खेल वो और तू अलग नहीं है। भले आदमी उसका खेल कहने के बजाय मेरा ही खेल खेले। बापूजी मुझे लड़का बहुत मारता है, क्या करूं बुढ़ापे में आधार में, क्यों कहता है? तो मैं पूछूंगा कि लड़का किसका है? बोल मेरा ही है। कहां से आ गए वो हराम खोर घर में तेरे? तेरा तेरे घर में कहां से? बोल मेरा ही है। पर आया कहां से? बोले मैंने पैदा किया। तूने पैदा किया? तो तूने पैदा किया तो तू छोड़ दे ना, फिर तकलीफ दे रहा है। तेरा निर्माण है ना, तेरा निर्माण है और तेरी रचना तुझे दुखदाई है तो छोड़ दे, फेंक दे। तुझे दुखदाई है ना तेरी रचना, निर्माण तूने किया और तुझे दुख हो रहा है, छोड़ दे। ए भाई निर्माण कर दिया, गलती हो गई, अब तू हो गया दुख दाई, चलो हो गया। मैं जब अकेला था, कुंवारा था, तब तू था ही नहीं, बीच में टपक गए। हम मैं कहूंगा कि था ही नहीं तो अभी है ही नहीं। चिदानंद रूपम शिव, इसके बाद भी तो नहीं रहेगा। एक दिन लड़का किधर बाप किधर चले, खेल रचा था, मुश्किल ये हो गया कि खेलने के लिए आया, वो खेल को सच समझ लिया, सच समझने में परेशान हो। छोटा बच्चा खेल में मकान बनाया है, लकड़ी के मिट्टी के बनाया है, खेल रहा है, मजबूत हो गया है, बहुत मग्न हो गया, खेल रहा है, खेल। किसी ने धक्का लगा के मकान तोड़ दिया तो इतना दुख हुआ कि जैसा बड़ा मकान टूट गया, क्योंकि उसकी समझ छोटी है, उसका मकान छोटा है। और जिसकी समझ का विकास हो गया है वो हंसेगा कि नहीं बेटा वो खेलने का मकान था, वो कोई सच मकान थोड़े था, अपना मकान अलग है, चलो चल कर वो खेलने पर मैंने सर फूट गया। तो इसीलिए छोटे बच्चे का जो छोटा खेल है ना, तो हम भी बड़े बच्चे, हमारा बड़ा खेल, उसका खेल घंटे दो घंटे का है, हमारा खेल 5-50 साल का है। उसका मिट्टी का मकान छोटा सा है, यूं तल्ला लगावे तो गिर जावे, हमारा मकान जरा सीमेंट ही नहीं चूने का मेरा पक्का है, तल्ला लगाने से नहीं गिरेगा, लेकिन भूकंप आया तो ढेर हो जाएगा। सचिदानंद, बड़ी विचित्र बात है। सो माया बस भय उकुसाई, बंध्यो कीट मरकट के लाई, माया ईश्वर की माया में बंध कर परेशान हो रहा है। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय वही है जो मनु महाराज कर रहे हैं, इसका उपाय यही है जो आप 4 दिन से कर रहे हैं, इसका उपाय यही है कि रिटर्न चलो कहां, खिलाड़ी के पास जिसने खेल रचा, उसके चरण में चलो, वो समझाएगा, वो एक एक पात्र निकाल कर बताएगा, भ्रम दूर हो जाएगा। हमारे गांवड़ी की बात हम सुनते, लोग मजाक में सुनाते थे, गांव में जो है हम एक दो लोग ऐसे थे बेचारे, पुरानी बात है, जिन्होंने पिक्चर टाकी में कभी गए नहीं, उधर दूसरे गांव में पिक्चर टाकी होगी, गए कोई उनको ले गया तो बोले अंदर गए पिक्चर टाकी में बैठे, पहली बार गए और सब उसमें अंधेरा था बोलते, और जाकर बैठे और पिक्चर शुरू हुआ तो उसमें एक शेर आया और शेर आते से उठकर भागने लगा। शेर आ गया, बोले पड़ोसी ने पकड़ा कि बैठ मूर्ख, वो तो पिक्चर में। शेर नहीं आया,
यूं ही है वो पर्दे पर। उतना ही घबराया कि जितना सच्चे शेर से घबराना चाहिए। बस ऐसी हालत है, ऐसी हालत है ना। अज्ञानी को देखकर ज्ञानी इसी तरह हंसता है कि क्या बताए। अपने को देखकर जो महापुरुष होंगे ना, तो अपने को देखकर महापुरुष ज्ञानी पुरुष इसी तरह हंसेंगे कि बंधो कीट मरकट के नाई। और अब उस बंधन को जानना है, केवल बंधे ही नहीं हो, हम बंधे नहीं है, केवल हमने मान लिया है कि हम बंधे हैं। छूटना भी नहीं है हमको, क्योंकि बंधे नहीं छूटना है, केवल समझना है कि हम बंधे नहीं है। हमने यूं हाथ जोड़ लिए हैं और ऐसा मान लिया कि हमको किसी ने बांधा है। कोई आकर बोले कि इधर कर हाथ, इधर कहां बंधा है, अरे भ्रम हो गया है तुझे, तो ये कौन समझाएगा कि संसार का रंगमंच बनाने वाला कौन है। परम पुरुष दिव्यम परमात्मा है, और ये संसार का रंगमंच बनाने वाला जो परमात्मा है वो ही ये सबको उमा दारुतोषित के नाई सबको नचा। इसलिए इससे छुड़ाने में हमारी मदद केवल परमात्मा कर सकता है, और परमात्मा निर्विकार सत्ता है, इसलिए हम परमात्मा से डायरेक्ट बातचीत कैसे करें। तो बीच में मध्यस्थ किसी को लेना पड़ेगा, परमात्मा की प्रतिकृति, परमात्मा का विशेष एक निर्माण, परमात्मा जिसमें प्रकट हुआ, परमात्मा जिसको प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, उसको हम संत कहते हैं। क्या कहते हैं? संत कहते हैं। और संत को मध्यस्थ लाने के बिना परमात्मा से हमारा कांटेक्ट नहीं होगा, और परमात्मा से कांटेक्ट हुए बिना ये खेल हमारे समझ में नहीं है। मानव जन्म में सुविधा दी है, प्रश्वास कर, भक्ति से शक्ति जगा। कौन सी शक्ति? जिस शक्ति का हम चर्चा कर, चैतन्य शक्ति। मैं कह रहा था कि ये जड़ शक्ति आपको पहचानती नहीं, लेकिन ये जो चैतन्य शक्ति है ये तो आपके सामने खड़ी रहकर आपसे चर्चा कर सकती है। आपके अंदर प्रकट होकर आपको अनुभव हो सकता है। हमारे कई साधकों में जो क्रियाएं होती है आप देखते हो, ये क्रियाएं होती है, और वो जब क्रियाएं होती है उसको पूछो कि ऐसा क्यों कर रहा है, वो कहेगा आपको कि मैं नहीं कर रहा हूं, हो रहा है। यूं कहेगा, मैं नहीं कर रहा हूं, हो रहा है। परम सत्य है वो बात, और जब हो रहा है इसका मतलब उसको मालूम है कि मुझसे हटकर भी कोई और है। वो जब क्रियाएं होंगी वो साक्षी लेकर देखेगा साधक कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। यूं देखेगा साक्षी रेखा, धीरे 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 ऊपर चढ़ते 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 पुरुष और प्रकृति जैसे एक दूसरे में विलीन हो जाती है। ऐसा ही साक्षी जो तत्व है वो महातत्व में विलीन हो जावे तो समाधि कहते हैं। योग सिद्ध हो, योगी ध्यान में बैठे हैं। कौन कौन बोलो? मनु महाराज। और मनु महाराज ने धारणा बनाई है उस परम सत्य को स्वीकार पाने की, इस खेल को समझने की, इस खेल का खिलाड़ी कौन है उसको पाने की धारणा बनाई। और महाराज बहुत सुंदर चौपाई में कहा गोस्वामी, पूरे अभिलाष
नयन परम प्रभु सो, मैं इन नयनों से उस परम प्रभु को देखूं जो मेरा है, जो मेरा खास है, जो मेरा आत्मा है। और वर्णन किया अगुण चेता है, मेरे तनमन का जो आधार है, मेरा आत्मा का जो आत्मरस है, सत्ता है, वह सत्ता भी परमात्मा, उसको पाना है। जीवो एके जानिया, जीवो एके जानिया, तो जानिया सब जा, जे एके नहीं जानिया तो सब ही जान अजान। कबीर साहब कहते हैं जिसने एक को जान लिया उसने बाहर का कुछ नहीं जानते हुए भी सब जान लिया, और जिसने एक को नहीं जाना उसने बाहर का सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जाना। फिर क्या करना पड़ेगा उसको जानने के लिए? खुशामत करनी पड़ेगी। असांग योग हट योग, हट योग जबरदस्ती है। बच्चा दो प्रकार की वो करता है मां बाप से, और दोनों तरीके, पहले प्यार करता है, पापा मुझे ये दिला देना, पापा मुझे ये ला दो ना, ला दो ना पापा, ला दो ना पापा, क्यों नहीं ला रहे, ला दो पापा, ला दोगे पापा, ला दोगे, हाँ हाँ ला दो, कब ला दोगे, नाच कूद के उसकी दाढ़ी पकड़ के इतना करते ना बच्चे, तो लगेगा शंका हो सकती है जरा जरा बात पर। हम गरीब नहीं है आप जितना समझ रहे हैं, कि बेचारे कोई ही नहीं है उनके, फिर भी उनको मालूम जन्म में बहुत है, नहीं नहीं ये तो सब महान है, मैं ऐसी भावना ही नहीं करता, आप मानता है दो कैसी खुशामत करता है, करता है बच्चा, और बाप ने अगर उसकी खुशामत का अर्थ नहीं जाना तो बाप चोट खाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका और इतना खतरनाक तरीका कि उसके बाप के बाप को मानना पड़ेगा, उसके बाप का बाप माने दादा। बच्चे ने अगर दूसरा तरीका शुरू किया, नहीं लाओगे क्या, नहीं नहीं मिलेगा, क्यों नहीं लाओगे, और छोटा बच्चा है तो उसके पास हथियार तो नहीं है, डरा नहीं सकते, लेकिन इतना जोरदार हथियार है कि सर जमीन पर पटकेगा और पांव जो है यूं फेंकेगा,
और भांडे बर्तन उठाकर फेंके, और बाप के पास वो ताकत नहीं चली तो माँ के बाल खींचे। ऐसी शरारत करेगा महाराज कि अंत में उसके बाप को हार कर स्वीकार करना पड़ेगा। अरे भाई ला दूंगा, बाप का बाप नहीं मानेगा तो बाप का बाप कहेगा कि क्यों परेशान कर रहा, ला देना। बाप नहीं ध्यान देगा तो दादा कहेगा चल बेटा मैं ला दूंगा, बाप नहीं मानेगा तो उसके बाप को मान। ऐसे ही तरीके अलग अलग है उसको रिझाने के। और भक्ति योग जो है वो बच्चे की क्या है, भक्त क्या करता है, ठाकुर तुम लेकिन राजी करता है, और हठयोग जो है मानता तो है लेकिन संकर सर्वोत्तम। और मुझे ऐसा लगता है दोनों की जरूरत है। लेकिन ये बहुत अच्छा रास्ता है। कौन सा, कौन सा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज नहीं रह पा रहा, ये भाव सागर ना के डूब रहे। तो हमने क्या किया है, एक तरफ को जिसको हम अपना मानते उनको पकड़ रखे, सहारा दो मुझे सहारा दो मुझे सहारा। सामने वाला कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा सहारा चाहिए तो उधर वाला छोड़, मेरे भरोसे हो जा, मेरा सहारा चाहिए तो उसको छोड़, मैं पकड़ के खींच लू। तू इधर भी हाथ देता है उधर भी हाथ देता है, उसने भी पकड़ा है मैं भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तू बीच में लटक रहा है, किनारे आ गए लग रहा है कि इधर ही रह जाए। इधर ही रह
नर्मदा किनारे जब ध्यान करो पालू क्या उसको जिसके बात सुन क्यों लेकिन उधर भी अटका हुआ है परंतु एक लड़के की शादी बाकी उधर भी पकड़ रखा है इधर भी पकड़ रहा है दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिले मांडे दोनों दिन से गए क्योंकि वहां ऐसा द्वेष नहीं चलता अद्वेष चलता है परमात्मा के छोड़ देना उसे इधर पर अच्छा आप कहेंगे कि हम सब गड़बड़ छोड़ के फकीर बन जावे नहीं छोड़ने के दूसरे तरीके पलायन करने की बात नहीं करूंगा पलायन के पक्ष में नहीं छोड़ने के दूसरे तरीके उसकी आसक्ति जो है संसार करना पाप नहीं संसार में आसक्त होना पाप है आसक्ति परमात्मा में हो जावे पर अनासक्त भाव से संसार करे तो आपने छोड़ दिया इन सब फिर आने को लग रहा होगा कि मेरा ऐसा ही है मेरा ऐसा ही है मुझे आसक्ति नहीं कईयों को लग रहा होगा कि मैं तो अंदर से छोड़ रखा हूं बाहर से एक कर्तव्य निभा रहा हूं लेकिन उसका उसको आपको थर्मामीटर लगाकर अगर वो उसका ताप मोजना है ना कि आप कितने आसक्त हो और कितने नहीं हो तो आपको संसार के कामकाज में कितनी बार टेंशन आता और कितने जोर से आता है ये नाप लेना अगर आपको छोटी छोटी बात पर टेंशन आता है कि बेलों को चारा नहीं डाले नौकर काम पर आया नहीं और 100 रुपए लड़के ने खजूल में नाश कर दिए और वो घर की पत्नी ने सब्जी में ढंग से नमक ही नहीं डाला है और उसने संबंधी ने मेरे से बात ही नहीं की है अगर इतनी इतनी बात पर आपको टेंशन आता है तो आप समझ लेना कि आप बहुत आसक्त हो तो समझ लो आप स्वस्थ है आपको कोई बीमारी संसार में रहकर आप अनासक्त है इसलिए उन चीजों का प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ता इसका मतलब है कि आपने खेल को समझ लिया इसका मतलब है आपने खेल को समझ लिया है तो बिल्कुल रात में रंगमंच के ऊपर आप 100 रुपए मजदूरी से अभिनय करने के लिए आपको अभिनय नाटक करने वाला क्या डायरेक्टर ने खरीदा है 100 रुपए रोज से बुलाया है 100 रुपए रोज इतना ही आपका संबंध है और रात्रि में आप राजा बन के सिंहासन पर बैठे हो किसमें नाटक में मुकुट लगा है राजा बन के आवाज भी वैसा निकाल रहे हो कि फांसी लगा दो उसे जानते नहीं हम कौन है हम राजा है यहाँ के यूं करो लेकिन आपको अंदर से कोई तकलीफ नहीं होगी पीछे वाला आकर बोले कि बड़ा अच्छा रोल रोल जो है अच्छा होना चाहिए इन्हें तो मालिक पैसे नहीं उठे राजा साहब और पर्दे के अंदर जा क्या यार क्या अच्छा नाटक बहुत अच्छा पार नहीं है क्या मजदूरी 100 रुपए और अभी तो तू वहां अयोध्या का राजा दशरथ राम का पिताजी अभी राम रामलीला में दशरथ इधर 100 रुपए बोले 100 रुपए अच्छा पार्थ करता हूं इसलिए मुझे बुलाते ऐसा समझ ले वे हम सब इसका मतलब है कि हमको खेल समझ में आ गया और खेल वही समझाएगा कौन जिसने ये सब निर्माण किया क्या बोल रहे थे भगवान को एक पुष्प तोड़कर तालाब से चढ़ाता है स्नान करने के लिए गया एक दिन ग्राहा ने उसका पांव पकड़ लिया ग्राहा ने मगर ने ग्राहा ने अस्थि का पैर पकड़ लिया और ग्राहा की ताकत पानी में ज्यादा होती है जितना गहरा जाए उतनी ताकत खींचता है अस्थि परेशान हो गया पहले बार तो खुद ही अपने ताकत से लड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं जमा तो फिर वो अपने जो पत्नी है लड़के बच्चे है अपने जो सगे हैं उनके बल पर ये सब छुड़ा लेंगे
गूंगे बल पर, लेकिन काम नहीं जम रहा है, पीछे चला जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। समय ज्यादा हो गया है, करूं क्या, लेट भी तो आते हैं ना हम सब। चल जाएगा क्या थोड़ा पानी, सब मिलकर गाएंगे, कितन देता है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 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 अब तो जीवन हारे, रंग के गुनारे, अब तो जीवन हारे, रंग के गुनारे, जीवन हारे। जीवन मोक्ष में आता है जरा, कर रहा है एक हस्ती कर रहा है, और हस्ती ने भी कब की, जब सब सहारे टूट गए, अब लड़के बच्चे भी आने वाले नहीं है, अब मित्र प्रेमी भी आने वाले नहीं है, और मुझ में भी ताकत नहीं है, और ग्राहक खींचा चला जा रहा है, अब कौन करता है। इसकी एक समाधि भाषा होती है और इसकी एक लौकिक भाषा होती है, तो लौकिक भाषा में तो एक हस्ती पानी पीने के लिए तालाब सिंधु किनारे गया और उसको एक मगर ने ग्राम ने पकड़कर खींच लिया, ये तो हो गई लौकिक कथा। लेकिन उसमें समाधि भाषा की जो कथा है उसमें ऐसा हमारे महापुरुष उसका विश्लेषण करते हैं कि ये जीव एक हस्ती है, एक ग्रह है, गजराज है। कौन? हम गजराज है। माया के लालच में, सुख के लालच में हम माया के पास गए। माया के अनेक प्रकार है, लेकिन जवानी आ गई, मुझे शादी करना है। क्यों? सुख मिलेगा, उसको क्या मालूम ग्रह है, तो पानी पीने गए, अंदर मगर है उसको मालूम। तो जीव संसार रूपी सागर के पास गया पीने के लिए जल, सिंधु बीच बसत ग्रह, और अंदर बैठा हुआ ग्रह माया मय विषय वासना की उतने पर। तो जीव होशियारी करता है कि मैं मेरे बल पर जुड़ जाऊंगा, मैं बहुत ज्ञानी हूं, कोई कहे कि अरे ऐसे क्या करना, क्यों शादी करने जा रहे हो, क्या होता है शादी, शादी से सब कुछ हो जाएगा, कि जीवन भर बाहर ही नहीं आएगा। अरे छोड़ो, हमने बहुत अध्ययन किया है, वेद शास्त्र पुराण बड़े बड़े संतों में बैठे हैं, कोई मजाक है क्या, शादी वादी से क्या भी लगता है। अच्छी बात, चले जाओ। चले गए महाराज, अगर हमने कोई आसक्ति नहीं है, हमन तो कर्तव्य निभा रहे। और आ गया बीच में एक बालक आ गया, हमने कोई आसक्ति नहीं, चला भी कर तो फिर आसक्ति नहीं छोड़, नहीं नहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मेरे आश्रित है तो चलो, बोले नहीं तो थोड़ा सा बाकी, एक बालक देख लो निकाल कर, क्योंकि मेरे बेटे से मैंने बहुत प्यार किया है और इसके जीवन का कोई आधार देख लूं, फिर तो कोई बात ही नहीं है।
और महाराज आगे बढ़ा, आधार भी आ गया। अब आधार, ये उसका आधार था उसके बेटे का, लेकिन पोते ने इसको अपना आधार बना लिया। वो छोड़ते ही, दादा कहाँ जा रहे हो, दादा कहाँ जा, और मैं इधर खींच रहा हूँ, कितना भीतर घुस गया चल। बोले बापूजी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे मेरे बिना रहता ही। पानी पीने गया था, उसको मालूम नहीं था इतना गहरा। बोले किनारे से पास पीछे मत छोड़। ये है उसकी समाधि भाषा। अगर वहां भी कोई डूबते डूबने के पहले, डूब गए तो मर गए, डूबने के पहले ऐसा काम कर ले, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत जा चरण कर पसारे, सिंधु बीच बसत जा पसारे, गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन दिन डूबने वाला है, एक जैसा युद्ध चल रहा है लेकिन काबू नहीं आ रही है, बात ले गया है मझधार में, चार पैर युद्ध भायो ले गयो मझधार, चार पैर युद्ध भायो ले गयो मझधार, अब नाथ कान डूबन लागे बीत गई, युवा अवस्था बीत गई, अब बुढ़ापा चौथा पहर आ गया, युद्ध कुछ बंद नहीं हो रहा है, अब लगता है कि ये तो निकल ही जाएगा, तो भी गोविंद को पुकारो तो काम बन नाच कान डूबने लगे, अब कृष्ण को पुकारे, नाच कान डूबने लगे अब कृष्ण को, हे गोविंद हे गोपाल ये गलत कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, कर रहा है नहीं, हम पर दुख होता है, समझने जैसा है थोड़ा सा। बेटा गलत काम करता है तो बाप ये नहीं निर्णय ले लेता एकदम से कि इसको कत्लेआम कर दूं मरवा दूं, नहीं, बाप को दुख होता है, पहले तो कोशिश करता है सुधर जावे सुधर जावे सुधर जावे, फिर दुखी होता है कि कैसे होगा मेरा सुधर जाता तो अच्छा, बाप उसके अंतिम समय तक कामना करता है कि सुधर जाता तो अच्छा होता, सुधर जाता तो अच्छा होता, आखिर नहीं सुधरा मर गया। इसी तरह मानव देह में परमात्मा हमारी निरंतर कामना करते हैं कि कभी न कभी तू मेरी शरण में आ जाए, ठीक है तू जैसा है मेरी शरण में, तू
ग्वालिया कोली जैसा घोर पापी है, फिर भी मेरी शरण में आ जाओ। सनमुख हो ही जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अघना सही तब। भगवान कहते मेरे सन्मुख हो जा, कोटि जन्मों का पाप ना करो। आजा आजा आजा। उसको गुस्सा नहीं आता। कई लोग कहते भगवान नाराज हो, देवता नाराज हो, अब देवता अपना बिल्कुल बिगाड़ देंगे। जो छोटा सा बालक है, शिशु, कुछ नहीं जानते, पेशाब कर दिया आपके ऊपर और आप कर दी समझता नहीं, गला घोट के मार दो। पड़ोसी कहेगा कि दिमाग खराब हो, बच्चे पर नाराज होता है उसे क्या, बस ऐसी हालत है। कहां हम क्षुद्र जीव, कहां परम पुरुष दिव्यम परमात्मा, वो हम पर नाराज हो तो उसको क्या शोभा देगा। मैं इसको अभी बॉल जैसा उठाकर फेंक दूं, मार दूं, क्या है इसमें रखा हुआ। परमात्मा तो जानता है कि इसमें है क्या, मैं क्यों नाराज हूं। जब तक हो सके तब तक, जब तक हो सके तब तक। दीना नदी, मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, अरहु विसंभव वीर। प्रभु मेरे जैसा कोई दीन नहीं, आपके जैसा कोई दयालु नहीं। ले गयो मझधारे, जब तक अपने ताकत लगाई काम नहीं हुआ। आया है कि द्वारका में शब्द भय गयो, चोर भयो भारे, आवाज पहुंची है। ये लौकिक कथा है कि गजराज ने आवाज लगाई और द्वारका आवाज पहुंच गई, लेकिन अलौकिक तो यह है कि आपने आवाज लगाई, आत्मा से आर्तनाद किया और आपके अंतकरण के पास ही तो बैठा है, इसीलिए उसका नाम अंतर्यामी है। आवाज पहुंच गई। सूर कहे श्याम सुनो शरण तिहारे, द्वारका में शब्द भयो भोर, शोर भयो भार, शंख चक्र गदा कर्म धरुड़ ने पधारे, शंख चक्र गदा इसलिए हमको शरण जाना पड़ेगा। जैसा बच्चा बाप की खुशामद करे, ऐसे ही हम परमात्मा की शरण। सारा भार उसके पर, सारा बहुत सुंदर सिस्टम। बच्चा जैसा अपना भार अपने पर लेता है, वैसे वैसे बाप का प्रेम कम होता है। और बच्चा जितना बाप के अधीन था, उतना बाप का प्यार था, उतना बाप के ऊपर उसकी जिम्मेवारी। तो बेटा क्या, इसी तरह हम जितने जितने हमारे भगवान के परमात्मा के ऊपर निछौर हो गए, देखो ना कितना अच्छा है। निर्भार, हम निर्भार होते जाएंगे, हमारा भार उठाने के लिए वो एनी टाइम तैयार है। लेकिन झूठे अहंकार के कारण हम अपना भार सौंपना ही नहीं चाहते। मैं ही चलाऊंगा और मूल विषय पर आ जाएंगे।
इस सृष्टि का खेल स्वरूप जो खिलाड़ी है परमात्मा, इसको खेल समझना है तो उससे रिश्ता करना पड़ेगा। और परमात्मा से रिश्ता करने के लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति प्रेम का नाम है, अत्यंत प्रेम परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जान नहीं आ रहा, कुछ नहीं चाहिए। प्रेम तू हो जा मेरा, मैं जगत कर दू, याद में रखकर हरिनाम संकीर्तन दो पांच, हरिनाम संकीर्तन करके विराम देंगे, फिर शाम के सत्र में चर्चा करेंगे। राधा भक्ति
दादा पीठ के हैं, ब्रह्मा जी भी यहाँ आ जाते हैं। इन दोनों का निर्णय देने वाले समझने वाला भी तो वैसा अधिकारी है, सुनकर के निर्णय दे। कोई मतलब साधारण व्यक्ति उनकी पत्नी थी, मध्यस्थ वही थी ना। आखिर में उसने प्रश्न किया, प्रश्न किया बाद वो कहा कि हमारा प्रश्न ही गलत था, फिर भी आपने जवाब दिया। हाँ, जो नहीं करना, सन्यासी से ऐसे प्रश्न करने नहीं देते ना। हाँ, जिस प्रश्न के कारण उनको अपना ये उल्लंघन ही करना पड़ा। शरीर शरीर क्या होता है, आत्मा का तो कोई उसको उनको जो खेद हुआ कि हमारा गलत था। चलो ब्रह्मास्त्र ही चला। हाँ, वैसे ही किया, वो तो वही। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लारे, राधा रानी लारे, मने कारो कारो यमुना जीरो की छोरी।
मित्र बन जाए अपना है। Thank you.
Yogi, Karmi, Yashadiko, Yogi,
प्रकार के योगियों में जो श्रद्धावान योगी है वो मुझे अतिशय प्रिय। श्रद्धावान माने निरंतर आत्मा से जो मुझे भजता है। और निरंतर आत्मा से भजन कर रहे हैं कौन कौन कर रहे मनु महाराज कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे क्या? आप भी तो निरंतर कर रहे हैं। चार दिन हो गए क्या आज? चार दिन के आठ सत्र हो गए और आठ सत्र में तीन घंटे का एक सत्र, छह घंटे क्या हुआ? कितने घंटे हो गए? 24 घंटे ये हो गए, आधे आधे घंटे चार दिन के, दो घंटे 25, 26, 27 घंटे हो गए। क्या कर रहे हो? निरंतर भगवान का चिंतन, सत्संग के द्वारा भगवान की महिमा, सत्य का परिचय। इसलिए ये ऐसा सब चल रहा है। लेकिन ठीक है, मनु महाराज की साधना के सामने हम कुछ भी नहीं है, परंतु कलयुगी जीवों के मान से हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं। नर्मदा किनारे असुविधाओं के बीच सब कुछ सहन करते हुए जंगल में और निष्काम भाव से सारे शिविर के बंधन कारक नियमों को स्वीकार करते हुए हम भगवत चिंतन करने की चेष्टा कर रहे, कोशिश कर रहे, ये भी कम नहीं है। इसलिए बहुत भाग्य है हमारे लिए। साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं मनु महाराज, लेकिन उसमें अटूट श्रद्धा और स्वच्छ प्रेम है, निर्मल प्रेम है उसमें। क्यों? किस पर से? आपको लगेगा कि अभी तो वो तपस्या में बैठे हैं, आपको क्या पता कि उनका स्वच्छ प्रेम है। उनका स्वच्छ प्रेम है, ठीक है, कथा हमको मालूम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी मांग क्या है। उनकी मांग को देखते हुए हम कह देंगे कि उनका परम पवित्र प्रेम है, लेकिन कथा मालूम नहीं होती, फिर भी इतना अंदाजा तो जरूर लगाया जाता कि इतनी सुंदर ढंग से उनकी साधना की शुरुआत है, इसका मतलब उनकी मांग भी उतनी सुंदर ही हो सकती। ये रचना ही बता देती है। तीन दिन पहले 10 तारीख को दादा दरबार से छोटे दादाजी आए, छोटे सरकार जिनको कहते हैं, आपने प्रत्यक्ष देखा। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप आशीर्वचन हमारे प्रेमियों को आशीर्वाद दे दें। उन्होंने कहा कि मेरी बोलने की आदत नहीं, और सच में नहीं है कुछ, ये नहीं है, हम मालूम है मुझे कोई बोलने की आदत नहीं है, मैं ऐसे ही बैठता हूँ,
बार बार एक किए गए, लेकिन फिर भी मना करने वाले भी वही थे और स्वीकार करने वाले भी वही है। मना जब किया आपके हृदय का उनको परिचय नहीं था। ठीक है, एक भीड़ जमा हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, हम भी कहीं जावे तो ऐसा ही लगे कि ठीक है सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, हाँ चलता है नर्मदा जी, तो वैसे भी भीड़ होती है तो ऐसा लगा होगा। लेकिन आपका भाव, भावना का जो एक वातावरण बना हुआ है, शक्ति पूर्ण वातावरण, आपका शिस्त, आपका प्यार, आपकी सुनने की जिज्ञासा उनके हृदय को विवश कर गई कि शायद ये सब लोग लायक लग रहे हैं। कुछ न कुछ कहना चाहिए। और सुंदर दादाजी ने जो है भगवान शिव की स्तुति सुनाई और रिक्वेस्ट भी किया कि आप इसको धारण करें। मैंने स्वीकार भी किया कि हम हमारे साधकों में वो जरूर पाठ करने लगाएंगे। हृदय से परिस्फुटित हो गए, अंदर का अंतर्यामी विवश कर गया उनको कि नहीं बोल दो। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ हमारे दादा गुरुदेव जी, बापू जी के गुरुदेव, हरिद्वार साधना सदन आश्रम कनखल में महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद गुरु जी महाराज, पाल आश्रम में यज्ञ का आयोजन हुआ 2001 में, 2000 में, 2000 में, नया नया नई सदी में, तो उसमें जब कार्यक्रम हुआ हमने प्रार्थना की कि बापूजी तो शरीर से उपस्थित नहीं है इसलिए हमको कमीपन लगेगा, आप आ जाओ तो अच्छा है। अभी गरीब गरीब आश्रम, बड़े महापुरुष, लेकिन भावना स्वीकार हो गई और आ गए जैसे हमारे स्वामी जी आ गए। वहीं उन्होंने मुझे कहा हरिद्वार में कि देखो मैं तो कोई ज्यादा बोलता नहीं हूं, और सच में वो ज्यादा नहीं बोलते, उम्र हो गई है तो बोलने वाले क्या, बोल बोल के पूरा जीवन हो गया, मस्त रहते अपने इसमें, मैं तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। मैंने उनको प्रार्थना की कि हम आपसे बोलने की अपेक्षा नहीं करते, आपकी उपस्थिति मात्र हो जावे बस, आप बैठे बने रहे। फिर बाद में अर्जी स्वीकार हो गई और वो आ गए और महाराज आप सभी की श्रद्धा देखकर घंटों बोलने लग गए, घंटों। कहा था ऐसा, उन्होंने कहा कि वही कह दिया था कि मैं नहीं बोलूंगा, ज्यादा मुझे नहीं बोलना है, लेकिन पता नहीं बोले यहां आकर कैसे शुरुआत हो गए, मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। मुंह को ही वाचाल पंगु लगयन थे गिरिम जासु कृपा सो दया, सब कुछ संभव है। तो आपकी शिस्त, आपका प्यार, आपका समर्पण, आपका त्याग ये विवश कर जाता है। क्या चर्चा कर रहे हैं? नयन परम प्रभु सोई, उस प्रभु को देखना है एक बार। किसी को लगता होगा कि उसको देख लेने के बाद क्या, मानो भगवान का दर्शन हो गया। और कुछ तो इतने बिचारे बिचारे शब्द से समझ जाया करो, बिचारा शब्द ही परिचय है अपने आप में। समझने वाला हो और कोई कहे कि ये भी आया है बिचारा,
तो बोले अच्छा अच्छा बैठ जा बैठ जा। हमारे स्वामी जी कह रहे हैं कि बिचारा मंजे विचार करने वाला, ऐसा नहीं है स्वामी जी, बिचारा माने विचार करने वाला नहीं है, बिचारा माने बिचारा, दया का पात्र बेचारा। हाँ ये शब्द देखो, कुछ स्वामी जी ने जो शब्द दिया, हमारे स्वामी निगमानंद जी महाराज ने कहा कि बिचारा माने विचार करने वाला, और स्वामी जी ने जो शब्द दिया है कि विचार, वाह वाह, आपको लगेगा कि संत लोग भी बड़े हैं। संतों का धंधा ही है शब्दों का छानबीन करना, शब्दों का ही व्यवहार है संतों का, जो धंधा है क्या धंधा है, शब्दों का धंधा, सार 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 सार, बाल की खाल निकालते रहते हैं, इसका सार क्या, इसका सार क्या, इसका सार क्या, पहुंच जाते हैं। पर मराठी में महाराज कहते वादे वादे जायची तत्व बोधा, महाराज ने कहा कि ये तात्विक वाद करते करते ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और वहीं पहुंच जाते जो है वहीं। वाणी में भी किसी संत ने कहा सदगुरु मिले सौदा करा, कोई सदगुरु मिले तो सौदा करे, किसका सौदा, शब्दों का सौदा, शब्द बेचे शब्द खरीदे शब्द लेवे शब्द देवे, शब्दों का व्यवहार। और बैठे तपस्या में, तपस्या में अनेक प्रकार की विधियां की होगी, जाकर यूं ही नहीं बैठ गया होगा, क्योंकि शुरुआत जब होती है तो सब धीरे धीरे शुरुआत होती है, नियम संयम, ये नहीं खाना, ये छोड़ना, ये पकड़ना, ऐसा जीना, ऐसे सोना। गीता जी में भगवान कहते हैं कि अभ्यास करने के लिए न अतिशय खाने वाले से योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल नहीं खाने वाले से योग सिद्ध होता है, न बहुत नींद लेने से योग लेने वाले से योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल नहीं सोने वाले से योग सिद्ध होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाले से भी योग सिद्ध नहीं होता है, बिल्कुल नहीं बोलने वाले से भी योग सिद्ध नहीं। यूं भगवान कहते, भगवान का कहने का इशारा यह है कि अपने पर अपना ध्यान न रहे, हम इतने सहज रहे कि हम है या नहीं है ऐसा लगे। गीता जी का योग बड़ा अद्भुत है, दादाजी ने वहां पर सत्संग किया था, एक श्लोक पर से, और वो बहुत अच्छा था श्लोक। नहीं वाङ्मयम् तपोच्यते तो था, युद्धस्व विगत ज्वर, ये शब्द की परिभाषा, युद्धस्व विगत ज्वर, युद्धस्व विगत ज्वर, हे अर्जुन युद्ध करने जा, युद्ध कर, परंतु देख अर्जुन गुस्सा नहीं आना चाहिए, बहुत खतरे की बात है, अब युद्ध करने को जावे आदमी गुस्सा नहीं आवे तो क्या यूं मारे है? जा रहे उधर मार दूंगा ना, मारे दूंगा तुझे, ये मार दिया तो बड़ा मजाक हो गया, वो तो कोई युद्ध हुआ गुस्सा आवे तो युद्ध की मजा आवे, क्या समझा है उसका दांत उसकी आंखें उसका वो जो वैक्सीन है समझा कि बाप रे खा जाएगा। और भगवान अर्जुन को कहते कि युद्ध कर, ज्वर नहीं आना चाहिए, ताप नहीं होना चाहिए, संताप नहीं होना चाहिए, युद्ध करना कौन मना करता है, कर युद्ध तेरा कर्तव्य है,
तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म। हाँ जय आ गयो युद्धस्व गतज्वर सुख दुखे समय कृत्वा सुख दुख समान लाभा लाभो जया जयो लाभ हो हानि हो जय हो महा जय हो पराजय हो ये सब बाजू में रख दे। अभी नेता लोग चुनाव लड़ने के लिए जाकर थर थर कांपते हैं, कोई कोई देवता मनाता है, कोई कोई देवता मनाता है, कहीं से यूं करते हैं जी निकालते हैं। हम सबको शांति से कहते हैं, कोई कोई तो पूछता है डायरेक्ट कि बाबू खड़ा रहो या नहीं, तो हम कहते हैं कि खड़ा रहो या नहीं वो काम थोड़ी से खाएंगे, खड़ा रहने की इच्छा कोई रहना चाहिए ना, व्यवहार है वो तो, उसमें कोई बुरा है क्या, बुरी बात है खड़ा रहना, टिकट लेना खड़े रहना चुनाव में चुनकर आना सत्ता हासिल करना समाज की सेवा करना भगवान अगर मौका दे तो खुशी की बात भक्ति हो जाएगी। परंतु पहले से ही मजबूत होना कि जा रहा हूं मैदान में, गिर गया तो भी चिंता नहीं और जीत गया तो भी चिंता नहीं, जीत गया तो उतना हर्षित नहीं होऊंगा और गिर गया तो उतना दुखी नहीं होऊंगा, जो हूं सो हूं, कर्म करना मेरा धर्म है। ऐसी तैयारी से जाओ कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्या बिगड़ेगा, पहले ही बोल दो हाथ जोड़ के लोगों को, देखो भाई मैं खड़ा हूं मेरे देख लो मुझे, अच्छा लगे तो मुझे देना, नहीं लगे तो मत देना, और मैं गिर गया फिर भी ऐसे ही बाजार में घूमूंगा, मुझे कोई चिंता रहने वाली, और जीत गया तो ऐसे ही रहूंगा, मैं कोई ढोल धमाके बजा कर तुमको परेशान करने वाला, मुझे सेवा कर क्योंकि बादशाह भी बनूंगा तो कितने दिन का, दो पांच साल का, बाद में रोड पर ही घूमना है तो फिर क्या करो, कोई ध्रुव जैसा अटल पद तो मिलने वाला नहीं, बैठ गया बैठ गया। तो ऐसे युद्धत्व विगत ज्वर, युद्ध कर अर्जुन लेकिन ताप नहीं होना चाहिए, ऐसी तैयारी से कर, संसार करो लेकिन आसक्ति नहीं। गीता जी का ज्ञान अद्भुत ज्ञान, बाकी तो लोग करते रहते अकारण परेशान होते रहते, अकारण कुछ भी नहीं छूटा है श्रीमद् भगवद् गीता, सुना है आपने गन होगा तो एक पर एक ग्रंथ रखे ऐसी गड्डी लगाकर मुद्दाम आलोचना करने के लिए उपहास करने के लिए श्रीमद् भगवद् गीता जी को सबके नीचे रख दिए रखने वाले, और उसके ऊपर एक के ऊपर एक दूसरे ग्रंथ रख दिए, बाइबल रख दी, कुरान रख दी, फारसी लोगों के रख दी, सब रख दिए। चर्चा के पहले ही एक ने मजाक जैसे शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी से कह दिया कि बस आप समझ जाओ कि आपका धर्म का स्थान कहां है। ओ प्रज्ञावान, इतने जिनको कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी हजर जवाब देने वाले, शब्द आया और जवाब मिल गया, एक पाठी एक बार पढ़ ले तो बाद में पढ़ने की जरूरत है। ये भी सुना होगा आपने कि ट्रेन में सफर कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी, और सामने कोई विदेशी बैठा हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी पढ़ रहे थे और पढ़कर एक बार पढ़ लिया दोनों तरफ से, पन्ना फाड़कर खिड़की में से फेंक, दूसरी बार पढ़ लिया और पन्ना फाड़ के खिड़की में से फेंक दिया, तीसरी बार पढ़ लिया और पन्ना फाड़ के फेंक दिया, तो उसने देखा, उसने उसकी भाषा में इंग्लिश में कहा होगा कि ये इंडिया के लोग, ये हिंदुस्तान के लोगों को बुद्धि ही नहीं है, अक्कल ही नहीं है, देखो कितनी कमजोरी है कि वो पढ़ ले पैर फेंक दे, कोई कीमत ही नहीं। और स्वामी विवेकानंद जी समझ गए कि ये क्या बोल रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, जिसका काम हो गया फिर उसको बोझ ढोने की क्या जरूरत है, जो लेना था ले लिया गया, फिर अब क्या करें संभाल कर, तो मैं देख रहा हूं आप एक ही बार पढ़ रहे हो और फिर एक बार में काम हो जाता है क्या, बोले हाँ हो जाए,
मैं नहीं मानूंगा, तो नहीं मानेगा तो ये हाथ में ले, मैं पढ़ता हूं और तू हाथ में ले, और फिर मैं बोलता हूं, अगर कहीं कोई शब्द रह जाए तो फिर कह दूंगा। चाप हो गए, मानना पड़ा क्या, फिर तो आपको फेंकने का अधिकार है, अब क्या करें, संभाल कर। स्वामी जी ने देखा, नजर डाला कि ठीक ठीक, स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है, जहां होना चाहिए वही है। बोले आप समझे, समझ गया मैं, जहां होना चाहिए वही, सबसे नीचे आपके धर्म का स्थान, सबसे नीचे वही होना चाहिए नीचे। बोले नहीं, सबसे नीचे नहीं, गलत बोल रहे हो, प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके देख लो। मैं कहता हूं कि खड़े रहो और आप श्रीमद् भगवद गीता जी को खींचे, खींचो, सब उसके ऊपर आधारित है, मूल वही है, सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल दादू पीछे क्या रहा, जो निज पकड़या मूल पर है, मूल ही पकड़ लिया जाए सब आ गए। तपस्या कर रहे हैं, उसमें नाना प्रकार की चेष्टाएं की गई होंगी। साधक जब साधना की शुरुआत करता है, बहुत अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, अनेक जगह सत्संग संतों का, उसमें से सार ग्रहण करने का, कोई किस तरह से बोलता है, कोई किस तरह से बोलता है। कबीर साहब ने कहा सार सार नहीं रखे और थोता दे तो उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार ग्रहण करे, सार भोगे, सारा ही कचरा दिमाग में भर ले तो परेशान हो जाएंगे सत्संग करने वाले, उससे क्या लागू होता है, वो किस लायक है, क्या संग्रह करे, जिसको जीवन में उतार कर वो अपने जीवन को कल्याण करे, इस तरह करे साधु। सार गई रखे और थोता दे तो उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार ग्रहण करे, सार भोगे, सारा ही कचरा दिमाग में भर ले तो परेशान हो जाएंगे सत्संग करने वाले, उससे क्या लागू होता है, वो किस लायक है, क्या संग्रह करे, जिसको जीवन में उतार कर वो अपने जीवन को कल्याण करे, इस तरह करे साधु। तो साधना करने के पहले भी ये सब कुछ अभ्यास होना चाहिए। किसी ने कहा कि ध्यान करो, रात में छे बैठ गया, क्या कर रहा है, तो ध्यान, तू तो सो रहा है, बोले नींद आ रही, क्यों, इसलिए नींद आ रही है, उसके ध्यान का कोई तरीका नहीं है, उसके ध्यान में कोई धारणा नहीं है, खाली खाली ध्यान कर रहा है आंख बंद करके, जैसे नींद कोई आह्वान कर रहा है। धारणा क्या है, अपने लक्ष्य को केंद्रित करने के लिए क्या व्यवस्था की है, कि मैं श्वास की क्रियाओं के ऊपर ध्यान करूंगा, मैं भ्रुकुटी में नेत्र स्थापन करके वहां भ्रुकुटी में ध्यान करूंगा, मैं अपने इष्ट स्वरूप को याद करके मानस में इष्ट की मूर्ति बनाकर स्थापन करूंगा, मस्तिष्क में वो ध्यान करूंगा, मैं मानसिक पूजन करूंगा, मन में ही भगवान की मूर्ति है, मन में ही भोग लगाया जा रहा है, मन में ही श्रृंगार किया जा रहा है, मन में भगवान को निलाया जा रहा है, सुलाया जा रहा है, जगाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, आंख बंद है और सब। मन मग्न हो गया है पूजन में, ये भान नहीं है कि आंख खुली कर रहा हूं मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा, या मन में मूर्त बना के मन में पूजा कर रहा हूं, इतना एकाकार हो गया है और वो नैवेद्य लिया है हाथ में, संत नैवेद्य लिया है हाथ में, और किसी ने उसको धक्का दिया,
जगाया माने। शायद मैंने सुना है कि मिस्री थी, गिर गए। क्या हुआ? जैसे ही उसका ध्यान टूटा, मन में ठाकुर जी के पूजन में लगा था, ठाकुर जी का श्रृंगार किया, भगवान के लिए नैवेद्य लाया और बड़े प्यार से भगवान को नैवेद्य दे रहा था। अब भीतर भीतर मन में क्या चल रहा है बाहर वाले को क्या मालूम। उसने जगा लिया कि आंखों पूजा में लगा है, तो आंख खुली तो मिश्री गिरी, ऐसे प्रत्यक्ष गिरी। जगाने वाले ने कहा कि ये क्या है? बोले मैं भोग लगा रहा था और तूने बीच में मिश्री। कुछ भी असंभव नहीं है। पूज्य बापूजी हमारे, बापूजी की गुरु बहन एक मुसलमान समाज की एक महिला थी, हमारे नंदुरबार से सकाराम भाई भी आए हुए है, ऊपर हाथ करो, कहाँ है सकाराम भाई, है क्या यहाँ? वो बापू जी को डांटती थी बिल्कुल, कहाँ गया था, आ गया। मैं कहती हूं कि ज्यादा मत जाया कर, इधर उधर जाता है। मैं कहती हूं कि ज्यादा मत जाया कर, इधर उधर जाता है और सबके हाथ की रोटियां खाता है। साधु को सबके हाथ का नहीं खाना चाहिए, जो उसको कहना वो कह दे। और बापू अधिकार उसका मानकर वो हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, ज्यादा कुछ बोलते नहीं। लेकिन आश्रम में आवे तो प्रथम उसके दर्शन करने के लिए जावे। मैंने देखा, फिर मैंने सुना उसके बारे में, भाई इतना क्या पावर है, एक ये बुढ़िया के इसमें। तो बापू जी को डांटते, लाखों लोगों के गुरुदेव तो बुढ़िया डांट। उन्होंने कहा, मुझे सुनने को मिला कि बुढ़िया बहुत पावरफुल है। बुढ़िया ने 30 वर्ष तपस्या की और बुढ़िया में इतना पावर है, और उसकी अवस्था तो मैंने देखी है, ऐसी ऊंची अवस्था हो गई थी कि न पागल में समझे न कोई सच में सच। ओ कपड़े की सुध नहीं, कपड़े पड़े हैं, बाल बिखरे हैं, और कृष्ण उपासक थी वो, कृष्णमय हो गए, वो आ गया मेरा कृष्ण। वो हंस रहा है तू जा मालसर, जा सामने वाले तट पर। एक मालसर करके गांव था, वहां भगवान का बहुत सुंदर और बहुत विशाल मंदिर है, जहाँ डोंगरे जी महाराज प्रतिवर्ष भागवत किया करते थे, सत्यनारायण नाम है उसका मंदिर का, ठाकुर जी का। तो बुढ़िया ऐसी बात करे कि जैसे कोई अपने दूसरों को समझे कि पागल है, लेकिन इतने ऊंचे ऊंची अवस्था जी थे। बापू जी के एक कुकर मुंडा करके गांव है, वारकरी संप्रदाय के संत, क्या नाम था महाराज जी का, संतो जी महाराज करके वारकरी संप्रदाय प्रथम। वो शांत हो गए, उसके बाद हरे राम हरे कृष्ण मंत्र जिन्होंने दिया, जिन्होंने बापू को आदेश दिया ये मंत्र देकर कि जा नर्मदा किनारे 1008 दिन इस मंत्र को अखंड जपा दे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा आदेश जिन्होंने दिया था वो हैदराबाद के संत जमुनादास जी महाराज। हमने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन वो सुना सब। तो उन्हीं के शिष्य थे वो बुढ़िया, बापूजी और भी लोग थे। तो बुढ़िया तस्वीर के सामने नैवेद्य का भोग लगाती है, कौन वो बुढ़िया धनबा, नैवेद्य के सामने एक दिन गरम गरम भोग लगा दिया और उसके गुरु के मुंह में छाले हैदराबाद में गिर। ये कोई पुरानी कथा नहीं है। अच्छा, वो मुस्लिम समाज की है, इसके लिए तपस्विनी भी है, फिर भी कुछ लोग, ये तो धर्म में आदत पड़ी हुई है ना,
कुछ लोग मन से थोड़ा सा ठीक है यूं ही था, और शायद गुरुदेव को उसको प्रकाश लाना होगा कि ये कितनी महान है ये दिखना चाहिए। और आता है सुनने में कि जब हैदराबाद से गुरु महाराज आए और सब 550 शिष्य का समूह बैठा, उसके अंदर गुरु महाराज एकदम से कहते कि धनबा तुझे इतना नहीं समझता क्या, इतना गरम गरम भोग लगाती है, देख मेरे मुंह में छाले गिर गए। सुना है कि तब सबकी आंखें खुली कि है तो शरीर मुसलमान का, लेकिन शरीर से भगवान को क्या लेना देना, इसमें पावर कितना है, कोई कहां रहता है किधर। धोती पहनता था मैं बापूजी के सामने, बैठ गया। मैंने सोचा इतना पावर, हमारे बापूजी जी कोई बोलते नहीं, बापूजी तो गुरुजी बोलते, बड़े प्यार, बुढ़िया इतना पावर, लेकिन एक प्यार पावर माने उसकी अवस्था ऐसी थी। ऐसा ही सादा सिंपल रहा कर यूं कहा, जब भी जाऊं तो दर्शन। एक बार संत डोंगरे जी महाराज को बापूजी ने आमंत्रित किया, क्योंकि मालसर उस किनारे और दक्षिण तट पर आशा आश्रम के, आप आश्रम में आओ, बड़ा संबंध था नदी की, हर प्रतिवर्ष भागवत होती थी, बापू जी जाएगा। तो अंग्रेजी महाराज आश्रम में आए, मैंने सुना है कि पेड़ियों के पास बाहर धनबा बैठी थी, बापू जी का ध्यान नहीं, और डोंगरेजी महाराज आए, किसी ने कहा कि बा डोंगरेजी महाराज आया छे, उसको आया गुस्सा, ये डोंगरे महाराज। एक उपेक्षा जनक, तो फिर धीरे से जाते समय अलग से बापूजी ने प्रार्थना की होगी कि गुड़िया थोड़ा सा बोल रही, तो महाराज ने कहा कि नहीं, वो अलग बात है, बिना अधिकार से कोई बोल ही नहीं सकता, उसमें उसका अधिकार है। और संत डोंगरे जी महाराज बहुत अद्भुत, हमने दर्शन किए स्वामी जी के आश्रम में, पूज्य स्वामी जी तो बहुत ही सुनाते कथा, ये महाराज जी आश्रम में आया करते थे, वो बड़ा ताराजी तो दूर की बात है, एक श्रीफल और एक साड़ी और ये भेंट भेजी है माता जी को, डोंगरे जी महाराज ये मेरी भेंट दे, ये सब किससे हुआ, किससे होता है ये, सुना ना आपने सुबह, तप बल रचाही प्रपंच विधाता, तप बल रचाही प्रपंच विधाता, तप बल प्रपंच विधाता, सब बल रचाही प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल प्रपंच विधाता, ब्रह्मा जी तपस्या के बल से, ब्रह्मा जी सदा भगवान नाम का जप करते, ब्रह्मा हो गया तो घर का कायदा नहीं है,
भगवान नाम का सुमिरन करता है ब्रह्मा जी सदैव निरंतर, तब सामर्थ्य है सृष्टि को रचने का, पावर है। तप बल रचयी प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत प्राता, भगवान विष्णु पालन करते। हरे 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 कृष्ण अंतर आत्मा से जो मेरा निरंतर चिंतन करता है। मैंने कहा था एक बार, सुना होगा कि आपने प्रसंग, एक धनी व्यक्ति था, निरंतर मंदिर में जावे भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के पूजन सुमिरन के लिए रोज डेली मंदिर में जाए। उसका बेटा था, उसका बेटा कभी भी मंदिर में नहीं जाता, हालांकि उपेक्षा नहीं करे, अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बोले, तू क्यों जाता है, क्या है, लेकिन वो नहीं था। उसके पिताजी को बड़ा दुख है मन में, ये लड़का ठीक नहीं है, सात्विक नहीं है, इसको भगवान पर कोई श्रद्धा नहीं है, नास्तिक है, बोलता कुछ नहीं है, किसी का कोई अपमान नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन जाता क्यों नहीं है, जावे नहीं। एक दिन उसके पिताजी ने बोला, बेटा तू भी मंदिर में जाया, भगवान के बिना क्या है। लड़के ने धीरे से कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जिस दिन जाऊंगा तो मेरा जाना ही अलग होगा, मैं फिर मंदिर ही जाऊंगा। तो बोले, मंदिर में जाकर भगवान का दो नाम लेने के लिए क्या हरकत है। पिताजी, जिस दिन जाकर नाम लूंगा तो नाम ही लूंगा, केवल रोल नहीं करूंगा, नाम ही लूंगा। अच्छा, उसके पिताजी के समझ में नहीं आती है।
बीच बीच में पिताजी उसको टोंकते रहता है कि कभी तो मंदिर जाया कर। उसने कहा ठीक है, अभी आप कहते ही रहते हो तो मंदिर चले ही जाता हूं। और महाराज मंदिर गया और आता है ऐसा प्रसंग कि मंदिर जाते ही उसने एक बार राम कहा। एक बार राम कहते ही उसके प्राण चले गए। आश्चर्य लगेगा कि ये भी कोई बात हुई। राम कहा माने कहा। अब सोच लो कि कितनी गहराई से उसने भगवान को आत्मसात किया होगा कि मैं आज भगवान के मंदिर में आया, अब वापस जाऊं, इससे और बढ़िया जगह कौन सी मिलेगी, इसको छोड़कर अब जाना कहां है। इसी तरह एक घटना महाराष्ट्र की है, स्वाट में कह दूं, महाराष्ट्र की संत, एक महाराष्ट्र में हमारे महापुरुषों ने संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनकी परंपरा, आपस में चारों भाई थे, तीन भाई और एक बहन, सभी संत थे चारों के चारों। निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई और सोपान देव, चारों संत। फिर उनकी परंपरा में अनेक संत हुए। विशिष्ट बात यह थी कि हर जाति हर समाज के संत जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ, विशोबा के चर हरिजन समाज में से, गोरा कुम्हार कुम्हार समाज में से, नरहरि सोनार सोनार समाज में से, महाराज तो ब्राह्मण समाज में से थे, संत एकनाथ तुकाराम महाराज बनिया समाज में से, वाणी अनेक अनेक संत हुए। जाति विशेष का भगवान के पास कोई लेना देना नहीं है, आत्मा की कोई जाति नहीं है, लेकिन समाज को संत सभी तरफ से विकसित करने की चेष्टा करते हैं। किसी भी तरफ से समाज अविकसित न हो, सर्वांगी विकास होना चाहिए। और एक अद्भुत घटना घटी, जो नर्तकी नाचने वाली जिसको लोग वेश्या कहते हैं, नर्तकी नाचने वाली नायिका भी कहते हैं कुछ विशिष्ट भाषा में, कैसी भगवान की अद्भुत महिमा है कि उस श्यामा नाम की वेश्या के घर में कन्या जन्म ली, एक लड़की पैदा हुई है। लड़की बहुत खूबसूरत है, धीरे धीरे बड़ी होने लगी, थोड़ी बड़ी हुई है, उसको सत्संग का छंद लग गया, कहीं कथा कीर्तन और बहुत उपेक्षा, कोई भले घर की लड़की तो नहीं कि कोई उसका आदर करे, उपेक्षा उपेक्षा, लेकिन उपेक्षा उपेक्षा में ना जाने किसी जन्म का कोई पुण्य। और वो अधिकारी बन गई भक्ति की, लेकिन उसकी भक्ति अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये इतनी भक्ति है इसके भीतर, ठीक है सभी लोग सुनते हैं, कथा कीर्तन सुनती होगी। किसी दिन एक बादशाह का शासन था और उनके सिपाहियों ने उकसा दिया और एक चुगली लगा दी, वह लड़की एक श्यामा इसके यहां पर एक लड़की है, वो तो बड़ी भगत बन रही है, इसका सील भंग होना चाहिए, इसका जीवन नष्ट होना चाहिए। इस भावना से तो दूसरे किसी की तो बात सुनती नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है, बादशाह ही करेंगे। बादशाह को जाकर कह दिया कि ऐसा ऐसा है,
उसको ये कर सकते हो, अपनी पत्नी बना सकते हो, या जो अच्छा उन्हें ऑर्डर दिया कि लाओ भगवान के ध्यान में बैठी है, अपना सतीत्व न जाए, अपना धर्म नष्ट न हो, मेरा जीवन व्यर्थ न जाए, इसको बचाने के लिए नित्य भयभीत होकर भगवान का सुमिरन करते। उसका नाम है कान्होपात्रा। जब आशा ने बुलावा भेजा है, वो जान गई है कि किसी ने षड्यंत्र किया है और अब तो बचने का कोई उपाय नहीं, बस मेरा पांडुरंग है, मेरा विठल है, वो एक आधार है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। बुलाया गया कि चल, तू कौन रोके, कौन उसकी तरफ बोले, उसका तो कोई परिवार नहीं। ले गए है सामने, गई भगवान कहते ना बुद्धि योगम ददाम, मैं अपने भक्त को बुद्धि योग देता हूं। क्या देता हूं? बुद्धि योग देता हूं, और बुद्धि ही मनुष्य का मूल आधार है। बुद्धि नहीं तो फिर क्या? उसके बुद्धि में ऐसा योग, ऐसा ज्ञान भर दिया है कि जाते जाते सोच रही है इतने बड़े बादशाह के सामने मैं कैसे बच पाऊंगी, क्या बोलूंगी। ले गए है उसे और आ गया है विचार एकास्थल आ गई। सामने जाते ही उसने हाथ जोड़ के कहा कि अब्बा जान, बेटी के लिए क्या आदेश है? बादशाह ने कहा कि मुझे अब्बा जान कहते, तेरा क्या अधिकार बनता है? कान्होपात्रा ने कहा कि मेरा अधिकार बनता है, राजा प्रजा का पिता होता है, प्रजा उसकी संतान। वह भले ही आपके घर में पैदा नहीं हुई, लेकिन आप हमारे बादशाह हो, आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा है, तो मैं क्यों नहीं आपकी बेटी हो सकती? बड़ा परेशान हो गया। दूसरी बार उसने फिर कहा कि अब्बा जान, आप जो कहोगे बेटी करेगी। फिर महाराज लेंडर हो गया, लेकिन वो कोई ज्ञानी नहीं था, उसको लगा कि अब करे क्या, ऊपर उसकी मति घूम गई है। उसने कहा कि अभी इस वक्त इसको मेरे सामने से ले जाओ, क्या चाहती है तू, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा कि मुझे चाहिए वो दोगे आप? बोले हां, सब कुछ मिलेगा, मुझे एक बार पंढरपुर जाना है मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए। कान्होपात्रा जानती है कि तू एक बार मुझे अपनी शरण में बुला ले, फिर तो नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता या मैं नहीं होने देता, ऐसी प्रतिज्ञा जिस परमात्मा ने की है उस पर उसको भरोसा है कि एक बार शरण में चले जाऊं फिर किसी की ताकत नहीं मुझे वापस। बोले एक बार मुझे दर्शन करा दो, फिर चाहे ले गए है बिल्कुल कड़े बंदोबस्त में। और प्रसिद्ध घटना है महाराष्ट्र की पंढरपुर की, कान्होपात्रा मंदिर के द्वार पर गई और आर्त भाव से दोनों हाथ करके भगवान को आलिंगन करने के लिए दौड़ी कि आ गई हूं, अब देख क्या यहां से जाऊं। सोच गोस्वामी जी कहते नाम जपने की कई तरीके हैं, लेकिन आर्त भाव से जो नाम जपा जाता है, जो नाम द्रौपदी ने जपा, शबरी ने जपा था, जप ही नाम जन आर्त भाव, जप ही नाम।
जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार से भक्तों की व्याख्या की है। यथार्थ, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। यथार्थी कुछ इच्छा करके भगवान को भजने वाला, मन सकाम भक्ति करने वाला, और आर्थ, आर्थ भाव से। तो उसमें भी आर्थ में ऐसा फर्क कभी रहता है, यथार्थी तो कुछ मिल जाए ये भाव रखता है, और आर्थ बहुत बड़ा कष्ट आ गया, संकट आ गया, तब भगवान को पुकारना। जिज्ञासु, भगवान को जानने की कोशिश करना, कोई लेना देना नहीं है भगवान से, न संकट है न कोई चाहिए, केवल क्या है ईश्वर, क्या है मेरा, उसका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, कैसे मैं उसे पाऊं, कैसे समझूं। जिज्ञासु, ज्ञानी जो समझ गया है। ज्ञानी तो फिर परमात्मा भगवान कहते कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है, क्यों तो मुझसे तनिक भी न्यारा नहीं है, ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका पूरा स्वरूप प्रकट हो गया। ज्ञानी कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा ईश्वर, न मांगेगा, न कोई संकल्प करेगा, कुछ होता हुआ तो उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कई बार लोगों को ऐसा लगता है इतना ज्ञानी महात्मा, उसके सामने घटना घटी तो कृपा कर देना था, नहीं करी स्पॉट पर, एक बाणी में एक ने कहा, तेरी शरणे आ गया अब शरण किसका लीजिए, शरण किसका लीजिए प्रभु, हेत किन से कीजिए, हेत माने प्री, थोड़े राजस्थानी लग जाए, समान इस जगत में नजरों से मैं नहीं देखिया, ऐसे समरथ को छोड़कर अब प्रीत किन से कीजिए, तेरे शरणे आ गया अब शरण किसका लीजिए, पेड़ मिल गया सुगंध का फिर फूल क्यों कर ढूंढिए, मिल गई चिंता मणि तो पारस को क्या कीजिए, तेरे शरणे आ गया अब शरण किसका लीजिए। चंदन का पेड़ ही मिल गया, अब फूल ढूंढने की, पुष्प ढूंढने की क्या जरूरत, चिंतामणि मिल गई अब पारस को क्या करूं, गंगा किनारे बैठ के अब कूप जल क्यों पीजिए, तेरे शरणे आ गया अब शरण किसका लीजिए, गंगा ही किनारे बैठा हूं कुए के जल पीने की क्या जरूरत, इतना समर्पण है, बस आ गई तेरे शरण में, क्या वापस जाऊं कहां जाऊं, मेरो मन राम
जपो नाम जपो सब ठीक हो जाए। संत कबीर कहते नाम जप बावरे संसार घोर निधि नाम निज नावरे। एक नौका है नाम, बैठ जाओ उसमें पार उतर जाए। वही खाता जिसको बोलते हैं, वो थप्पियां लगी रहती है उनके घरों में बंगलों में, कपाटे भरी रहती है, वही खाते जिसको कहते हैं। ऐसे हमारे भी कर्म अकर्म के वही खाते भरे पड़े।
जी और कौन पै जाऊं। सुरदास जी ने कहा कि तुम तजी और कौन पै जाऊं, काको नाम पतित पावन जग। कानो पात्रा जैसा पतित कौन था? एक नर्तकी की लड़की है, कोई आधार नहीं एक लौकिक दृष्टि से, लेकिन भगवान का नाम पतित पावन है। क्यों? तो पतितों को ही तो पावन करता है। पावन को पावन करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पावन को पावन करे बड़ी बात नहीं है, पतित जो है उसको पावन करे ये बहुत बड़ी बात है। सूरदास जी कहते कि तुम तजी और कौन पे जाऊं, कहां जाऊं? तुम सम कौन पतित पावन जग, पर हथ कहां दिखाऊं, दूसरे के हथ कहां दिखाऊं, किसके हाथ दिखाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं, प्रभु कहां जाऊं। कानो पात्रा का प्राण विसर्जित हो गया है, क्या महिमा है। लोग नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा की आशा करते हैं, जो एक झूठा जिसका कोई बेस नहीं है। अगर परमात्मा के गोद में पद पाने की आशा करे तो ध्रुव जैसे अटल हो जाए। करोड़ों करोड़ों राजे महाराजे आए और गए, किसी का नाम निशान नहीं है, लेकिन लाखों लाखों वर्षों से, अनगिनत वर्षों से ध्रुव सतयुग के, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो ध्रुव जी किसके बेटे हैं, ध्रुव जी ने क्या किया, क्या प्राप्त किया, क्यों, ये किससे रिश्ता जोड़ा है? परमात्मा से रिश्ता जोड़ा है। जिन्होंने परमात्मा से रिश्ता जोड़ा है, भगवान कहते तू हो जा मेरा, मैं जगत कर दूं तेरा। भगवान इतना प्यार करते भक्त का, भक्त मेरो पाँव धरे कहाँ धरूं मैं हाथ,
भगत मेरो पाव धरे साधरों में हाथ लारे लारे लाग्यो मेरो कभी न छोड़ू साथ तो यूं भी नहीं छोड़ते जगत को पकड़ नहीं सकते कोई कितनी भी कोशिश करे जगत को छोड़ना ही पड़ेगा और परमात्मा की शरण जाना ही पड़ेगा। मनु महाराज अंतर्मुखी हो गए हैं। कथा कहती है घोर तपस्या करे मृग चर्म व्याग्राम पर लपेटे घास फूस की कुटियों में रहकर कागजों की व्यवस्था नहीं पेपरों की व्यवस्था नहीं तो भोजपत्र पेड़ के भोजपत्र निकाले मोर की पंखुड़ियां लेकर किसी पेड़ों के फलों की शाही बनाकर और उससे भोजपत्र के ऊपर अपन ने जो खोज किया है उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया। इसलिए हम कहेंगे कि शास्त्र प्रमाणम तस्मात शास्त्र प्रमाण जो शास्त्र में हो वही प्रमाणित होगा। शास्त्र प्रचिति एक मन गणंत मत करो शास्त्र प्रचिति दूसरा गुरु परिचिति पढ़ लो और ऐसा ऐसा है लेकिन फिर भरोसा नहीं आ रहा है गुरु की शरण में जाने कि ऐसा वहां लिखा है गीता जी में क्या मैं ठीक समझ रहा हूं या गलत समझा। कभी कभी लिखा तो सही है और हम गलत समझते क्योंकि हमारी बुद्धि में उतना पावर नहीं है कि जैसा लिखा है वैसा हम समझ ले। कई लोग झिझकते हैं कि हम क्यों किसी को गुरु बना रहे हम क्यों किसी की शरण में जावे हम क्यों किसी के सामने नाग रगड़े। मैं सक्षम हूं मैं बुद्धिमान हूं मैं सब तरफ से समझ सकता हूं क्या लिखा है मुझे अच्छी तरह मालूम है। नहीं चुक सकता है केवल तर्कों के बस की बात नहीं है अनुभव भी होना चाहिए। और कभी कभी तू तर्क कुछ और करेगा और अनुभव में उसका अर्थ अलग ही निकलेगा फिर भटक जाएगा। शास्त्र प्रमाणम शास्त्र परिचिति फिर गुरु शरण में जावे गुरु परिचिति और फिर आत्म परिचिति। दो बार भी आपका समाधान ना हो आपकी अंतर आत्मा से पूछे गहराई में जाकर क्या ये सब ठीक है ऐसा हो सकता है हो सकता है। तीन जगह चेक हो गई फिर जग परिचिति फिर जनता जनार्दन में अपना विचार व्यक्त करे कि मुझे ऐसा ऐसा समझ में आया क्या ठीक लगता है आपको। मैं चार दिन से बोल रहा हूं कुछ ठीक है क्या पांच दिन से बोलो बोलो ना कुछ ठीक प्रमाण मिल गया भरोसा। शास्त्र परिचिति गुरु परिचिति आत्म परिचिति और जग परिचिति चार जगह आपका सिद्धांत सिद्ध हो गया पक्का हो गया अब उसको बिल्कुल मौत नहीं कानो पात्रा शरण में गई है। ये भाव मेरा कि जो शरण में जाएगा उसका कहना क्या है ऐसा अमर पद है वो ऐसा अटल पद है वो कि बस। किसी संत ने कहा कि मैं उसको याद करते करते मैं उसका ध्यान करते करते पिंड ब्रह्मांड में खेल खेल के अमर जहागीरी पाई
संतो सतगुरु सैन बताई। सैन माने ईश्वर। ढेर लग जाएगा आपके अंदर कि कहीं लोग घबरा के आंख खोल देंगे। ध्यान में बैठो रही, क्या बात याद आ रही, उल्टी सीधी बात नहीं भाई, अपन तो आंख खोल कर बापू जी की तरफ ही देखे। आंख बंद करने के जाता हूं तो सब घर के खिड़की दरवाजे सब दिख रहे। बाप रे, बड़ा खतरा है। खतरा नहीं है, आंख खोलकर आप उससे बच रहे हो। बचना नहीं, आंख बंद करके देखो कि अंदर सच में क्या है, गोडाउन में क्या क्या भरा है, और जो अंदर दिखेगा वही सच है। बाहर में आंख खोलकर आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, आंख बंद करके कुछ न दिखे या जितना कम दिखे उतने ही आप फ्रेश हो, उतने ही आप मुक्त हो, उतने ही आप दूर हो। चले जाओ ना हिमालय की गुफाओं में, घुस जाओ अंदर गुफा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। माया तो मन में रहती है। कहाँ रहती है? कई बार आपने सुना कि बुद्धियों में जो विचारों का आंदोलन चलता है, तूफान चलता है विचारों का, जिसके दिमाग में जितने विचार उतना बेचारा माया भी है। जितना जिसका दिमाग जितना खाली उतना ऊंचा है, उतना महान है। उल्टी रीत है, जितना खाली। सुबह सुबह आपका दिमाग खाली रहता है, जो ही निद्रा लगी सुसुप्ति में गए सब कुछ भूल जाते हो कि मैं राजा हूं, मैं अमुक हूं, मैं प्रजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नींद में काहे कि कुछ नर्मदा किनारे पड़े हैं टेंट में, कोई सरपंच नहीं, कोई मेंबर नहीं, कोई पटेल नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई बड़ा साहूकार नहीं, कोई बैंक बैलेंस वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई वैसा नहीं। रात में देखो सीन, यू रावटी खोल के अब किसी को कहो कि उसके गांव का सरपंच, 10 लोग इसके पीछे को, इसके ऐ क्या हाल हो रहा है। तो हो गया, निद्रा में ये हालत है, क्योंकि उसमें भूल गए आप सब। धन्यवाद है हमारे परम पिता परमात्मा को, जो जीव को ऐसी ऐसी व्यवस्था दे दी, नहीं तो क्या हाल होते उसके। अगर नींद नहीं होती तो इसकी हालत देखी नहीं जाती। ये मशीन की तरह 2400 घंटे बैठता है, मशीन की तरह 2400 घंटे, फिर तो बहुत खतरनाक बात है। लेकिन ऐसी एक उपाय दे दिया कि चाह कर भी नहीं कुछ कर सकता, थकान आएगी, निद्रा आएगी। निद्रा मौत की दूसरी बहन है, मृत्यु की बहन है निद्रा। निद्रा का स्थान कंठ में होता है, निद्रा का स्थान कंठ में होता है। तो निद्रा आ जावे, सब कुछ भूल गए आप, जो ही सुबह आप उठे ताजगी लगती है ना, कितना फ्रेश लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी ताजगी लगती है। और बिल्कुल आप कुछ लगते हो कि कुछ भरे हैं, भरे नहीं हो, खाली हो, विचारों से खाली हो। अब शुरुआत होने वाली है, हवा है, और शुरुआत हो गई तो शाम तक पीछा नहीं छूटने वाली। माया किसमें? विचार स्वरूप होकर, नश्वर विचार, जिन विचारों का कोई मोल नहीं है। आप कहोगे कि बड़े बड़े वकील, डॉक्टर और बड़े बड़े जो विचार किए जाते हैं कमाई के, नए नए आविष्कार, नया नया कुछ खोज करना, ये सब, ये विचार गलत है। गलत माने इसलिए गलत है कि आत्मा को इन विचारों का क्या लेना देना। इन सबका संबंध शरीर तक है, और शरीर की कहीं सीमा है। कमा कमा कर कितना कमाएंगे,
इकट्ठा, जब तक शरीर है तभी तक शरीर छूटा सब छूटा। इसलिए वैचारिक कमाई, कौन से विचार, जो विचार हमको हमारे मूल केंद्र स्थान में पहुंचाने की सहायता करे, जो विचार जीव को शिव बनाने की ओर मोड़े। अपने मूल स्वरूप तक ले जाने के लिए जो विचार हमको मदद करे वो ज्ञानमय विचार। मैं बैठे क्योंकि संधि का समय है, सूर्य उदय होने वाला है, अंधेरा जाने वाला है, संधि का समय। दो चीजों का ज्वाइन, उसको संधि कहते हैं। ध्यान करें क्योंकि उस समय मन ज्यादा करके शांत रहता है। दोपहर का समय संधि का समय है, ठीक सूर्य ऊपर हो। आप परदादा के नीचे ध्यान करते हो, सुबह आदमी नींद से उठता है, दोपहर में भोजन करके आराम करने की इच्छा अनेक लोगों की होती है, करीब करीब होती है कि दोपहर में आराम करे। आराम क्यों करे, वो समय ही प्रकृति ऐसा प्रभाव डालती है शरीर के ऊपर कि उसको लगता है कि सब छोड़ के थोड़ा सा रेस्ट करो। और उसी समय ध्यान के लिए हमारे ऋषियों ने संकेत किया, शाम के समय संध्या वेला में सूर्य अस्त होने जा रहा है, संधि का समय, उस समय भगवान चिंतन ध्यान करने का आदेश ऋषियों ने दिया, क्योंकि मन विशेष करके शांत होता है इन समयों में। फिर जिसको आदत पड़ी है, जिनका मन मुड़ गया है, जिनका मन रम गया है, उसके लिए तो 2400 घंटे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब याद आई तब तो मनु महाराज ध्यान मग्न है, न जाने क्या क्या नजारे देख रहे हैं, और अभी उनकी तपस्या फलित होने वाली है। क्या होने वाली है, फलित होने वाली है। मनु महाराज क्या मांग रहे हैं, उनको मिल जाना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। और आपके 9 बज गए, अब 10 मिनट में मनु महाराज की सारी बात जान लेनी चाहिए, चलेगा। और फिर शाम को जो है उनको उनका जो है मिला देना चाहिए, शाम को मिला ही दे, क्या मांग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो मांग रहे हमारी भी वही मांग होगी, इसलिए बैठे आसन लगा के 5 दिन से मां नर्मदा के गोद में। भले मांगने की हिम्मत ना करे, लेकिन भीतर तो हमारी भी मांग वही है जो वो मांग रहे हैं, और वही एक मांग है। तप करने में 6000 वर्ष बीत गए। जल का आहार करते हुए तपस्या करने में 6000 वर्ष बीत गए। सात हजार वर्ष वायु पीते हुए तप करने में बीत गए। ब्रह्मा जी आए, शिव आए, कुछ मांगते नहीं है मनु महाराज। Yeah.
परम प्रभु को देखूं निरंतर आशा हो रही है। जन्म के लिए मनुष्य जन्म इतना बड़ा पावरफुल और महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा और हरिहर अनेक बार आए मनु महाराज के पास। मानव के पुरुषार्थ का महिमा, इतना पुरुषार्थ करने का बल है मनुष्य में, ब्रह्मा विधाता आकर खुशामद कर रहा है कि मांग ले भाई क्या चाहिए तुझे। विधि हरिहर तप देख लिया पारा, मनु समीप आए बहु बारा। क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए। रामायण में प्रसंग आता है कि सर्वंग ऋषि तपस्या करते करते लोक परलोक पर विजय प्राप्त कर लिए और सर्वंग ऋषि के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे मेहमान बन के अरण्यकांड। जब वन में भगवान थे तब तो कुछ समय पहले भगवान दूरी पर है, एक विमान आया, विमान में एक विशिष्ट देवता आया, विमान उतरा है, सर्वंग ऋषि की कुटिया में देवता गया है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ऋषिश्वर, हे मुनि, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। पृथ्वी लोक पर आपका जीवन काल पूरा हुआ, आपके पुरुषार्थ की महिमा से हम देवता नतमस्तक हो गए। मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा इंद्र, हमारे स्वर्ग में आपका स्वागत है, मेरे साथ चलिए। गजब हो गई, मनुष्य के पुरुषार्थ की मनुष्य मोटी बात के लिए सरपटक के रोते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्या करूं, मेरा किस्मत खराब है, मेरे प्रारब्ध में लिखा है, मेरा ये है, मेरा वो है, क्यों रोते हो, प्रारब्ध भी तुम ही ने बनाया है और पुरुषार्थ करके प्रारब्ध को काट।
सर्वंग ऋषि का वो देखकर लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु ये क्या है, कौन था वो? भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण ये मनुष्य की ऊंचाई का प्रदर्शन, ये सर्वंग ऋषि की तपस्या का प्रभाव, सर्वंग ऋषि की साधना का प्रभाव कि ये देवताओं का राजा इंद्र हाथ जोड़कर उसकी कुटिया में खड़ा है। इतना ही नहीं, सर्वंग ऋषि ने इंद्र को की बात को अस्वीकार कर दिया। सर्वंग ऋषि ने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं आएंगे, क्योंकि अभी इसी क्षण हमारे यहां एक विशिष्ट मेहमान आ रहे हैं, जिस मेहमान की प्रतीक्षा हमें युगों से है, वो मेहमान हमारे घर आ रहे हैं, आप चले जाइए, हमको जब आना होगा हम आ जाएंगे। इंद्र को लौटा दिया है। महापुरुष कहते हैं सदा दिवाली संत की आठों पैर आनंद, औरों की तो क्या लगी गिने इंद्र को रंग। कभी भी अध्यात्म से वैभव कीर्ति सम्मान इसका संबंध नहीं जोड़ना। बहुत लोग इसमें गफलत में पड़ जाते हैं कि मैं इतना भक्त हूं, किसी को लगता है कि जिसकी ज्यादा भक्ति वो बहुत माल वाला होता होगा, जो ज्यादा भक्ति करता होगा उसका बहुत वैभव होता होगा, जो कम भक्ति करता होगा वो गरीब रहता होगा। अजीब बात नहीं, इसमें आपको उल्टा देखने में मिलेगा। कभी कभी बहुत बड़े बड़े परमहंस जिनकी इच्छा से चाहे जो प्राप्त हो जाए, कभी कभी वो आपको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए दिखेंगे। रामदास स्वामी जैसे संत महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के गुरु है, दिन भर भिक्षा मांगते। रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। और सामर्थ्य कितना बड़ा है कि एक बार एक सेठ के बाड़े में घुसे भिक्षा मांगने के, और वहां भिक्षा तो मिली नहीं, साहूकार घर नहीं था, घर का मुखिया, भिक्षा नहीं मिली, लौटे बाड़े के बाहर निकलने के पहले ही वो आ गया, घुस गया उसमें बाड़े का बिना पूछे। बोले कुछ नहीं, भिक्षा के लिए आया था, एक कोपिन पहनी है लंगोटी।